बात करते हैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को लेकर। पंचायती राज के भ्रष्टाचार किसी से छिपे नहीं है। अगर भ्रष्टाचारियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हो तो कुछ भी हो सकता है। जिस प्रदेश और जिले में मोपेड गाड़ियां खाद्यान्न ढो सकती हैं, मरे हुए लोग नरेगा में काम कर सकते हैं, विदेशों में रहने वाले लोगों के नाम से मास्टर रोल भरा जा सकता है, करोड़पतियों को प्रधानमंत्री आवास मिल सकता है, वहां कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं गगेव ब्लॉक की, जहां भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार हो चुकी हैं। इसी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सूरा चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पंचायत में विगत 3 पंचवर्षीय से जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। हद तो तब हो गई है कि एक गांव में बना चबूतरा चलकर 10 गांव पहुंचा और 10 स्थानों से चबूतरा निर्माण के नाम पर भुगतान किया गया है। भ्रष्टाचारियों ने सिर्फ यह किया कि एक अधूरे चबूतरे की कई एंगल से फोटो खींची और पैसे अपनी तिजोरी में भर लिया, जो दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारी रोजगार सहायक को हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन संरक्षण प्राप्त रोजगार सहायक अंकद की पांव की तरह अपने सगी रिश्तेदार सरपंच के साथ सचिव अधिकार के साथ जमकर भ्रष्टाचार करता रहा। हमारे कार्यालय पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत की सरपंच कृष्णावती तिवारी के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। एक बार फिर जीत कर कृष्णावती सरपंच बनी तो पुनः भ्रष्टाचारियों में जीआरएस और सचिव को पदस्थ कराकर पुराने रवैये को अपनाते हुए कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ना तो पंचायत भवन में बैठक होती और ना ही किसी तरह के विकास कार्य हो रहे हैं। विगत 15 वर्षों से सिर्फ कागजों में विकास दिखाकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें सरपंच कृष्णावती तिवारी, जीआरएस पुष्पेन तिवारी शामिल हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह बताई गई कि गंगेव ब्लॉक में हुए कराधान घोटाले के सचिवों को वित्तीय अधिकार ना देने की बात जिला सीईओ द्वारा की गई थी, लेकिन राजनैतिक संरक्षण प्राप्त सरपंच ने एक बार फिर भ्रष्टाचारी सचिव विश्वनाथ शुक्ला, जो कराधान में आरोपी है, उसे अपने ग्राम पंचायत में पदस्थ करा लिया है। पंचायत का जीआरएस पुष्पेन तिवारी सरपंच कृष्णावती तिवारी का भतीजा बताया जाता है, जो अपने पुराने कारनामों को छिपाने के लिए कई साजिशें कर चुका है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद पंचायत भवन में आगजनी की घटना हुई, जिसमें अन्य सामान तो नहीं जला, लेकिन उन दस्तावेजों को जलाना दिखाया गया जो भ्रष्टाचार की राज उगल सकते थे। पूरी साजिश के तहत करोड़ों के घोटालों को छिपाने के लिए आग लगाई गई। आपको बता दें कि सरपंच कृष्णावती तिवारी विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व सचिव अवधेश तिवारी की पत्नी हैं। इनके ऊपर चुनाव के समय भी अवैध रूप से राजनैतिक लाभ लेते हुए चुनाव जीतने के आरोप लगे थे। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पूरे भ्रष्टाचार में जनपद सीईओ से लेकर इंजीनियर तक सम्मिलित हैं। आइए आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ताओं ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। नीरज सिंह जी, कैसे आपके सूरा पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, कितना भ्रष्टाचार है और कौन कौन से लोग सम्मिलित है, क्या मामला है? इस भ्रष्टाचार में हमारे गाँव के पूर्व सरपंच और जो कि वर्तमान सरपंच है और उनकी पत्नी कृष्णावती तिवारी, अवधेश तिवारी की पत्नी के कृष्णावती तिवारी, जो कि 2010 से 2015 तक कार्यकाल में थी, उसके बाद राम निरंजन साकेत, रोजगार सहायक पुष्पेन तिवारी, जिसके कारण इतना सारा भ्रष्टाचार हुआ हमारे गांव में और कोई कार्य नहीं किया गया। आग भी लगी थी आपके यहाँ? आग लगी जानबूझ के, साजिशन आग लगाई गई, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं जला और आग लगाने के बाद चोरी भी की गई। जो तो माने आग लगाने जाएगा तो वो चोरी नहीं करेगा, जो चोरी करेगा वो आग नहीं लगाएगा। तो इस तरह से हमें तो लगता है कि पूरी तरह से साजिश रची गई थी साक्ष्य को मिटाने के लिए। तो आप क्या काम होते हैं तो क्या सभा में प्रस्ताव नहीं लाए जाते, सभा नहीं होती हमारे यहाँ? ना तो कोई ग्राम सभा होती है, और ग्राम सभा होती है तो हमारे गाँव के 4-6 आदिवासी औरतों को लेके जाती हैं और उल्टे सीधे माने बयानबाजी करवा के और फार्मेलिटी का प्रस्ताव, बाकी सब अपने मन से हो रहा है। और जो हमारे गांव का माने पंचायत भवन था, वो पंचायत भवन हमारे गांव में नहीं है, माने दूसरी जगह पंचायत में बैठक कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से आपके यहाँ चबूतरे के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। एक चबूतरा बना, कई जगह है जी, लेकिन मामला उठा और उसमें निर्माण कार्य फिर से बनवाना शुरू कर दिया, क्या मामला? एक ही चबूतरे को 10-10 बार दिखा के पैसा निकाला गया, माने 10 लाख
से ऊपर की राशि आहरित की गई उसमें। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे ग्राम पंचायत में हुए ही नहीं। क्या अभी आप लोगों की शिकायत की गई तब उसमें लीपापोती की जा रही है? जी, और जो कंप्यूटर में पहले रिकॉर्ड दिखाई दे रहा था वो एक्चुअल में रिकॉर्ड अब नहीं दिखाई दे रहा है। पहले कुछ दूसरा रिकॉर्ड हम लोगों ने निकाला था, अब कुछ दूसरा रिकॉर्ड निकल रहा है। क्या लगता है कि मतलब सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक से लेके जनपद तक के लोग शामिल हैं? रोजगार सहायक से लेके जनपद तक के पूरे इसमें शामिल हैं। क्या जांच की, कैसी जांच चाहते हैं आप लोग की? हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जो हमारे ग्राउंड में माने का वर्क काम हुआ है उसके आधार पे हमारी माने आपके गंगे ब्लॉक में कराधान घोटाला हुआ, उस घोटाले में जो सचिव फंसे थे वो फिर से आ गए हैं, जानकारी मिल रही। क्या लगता है कि जो पहले से घोटालेबाज है जिसके खिलाफ जांच चल रही है घोटाला किया तो निष्पक्ष आगे भी कर पाएगा? जी, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी इसी में संलिप्त होंगे, क्योंकि इनके द्वारा कोई प्रभार ना तो उनसे मांगा गया ना वो कोई प्रभार दिए हैं। ये वहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और बोले कि हमको अभी तक कोई प्रभार नहीं दिया गया है। जब चार्ज नहीं दिया गया तो ये किस आधार पे हमारे यहाँ जाके काम करेंगे? जैसे मान लीजिए कि पिछला पैसा, जिस काम का पिछला पैसा निकल चुका था तो उस काम को इनको क्या पता कि ये हमारे माने ग्राम पंचायत में ये कार्य हो चुका है कि नहीं हो चुका है। नए सिरे से उस राशि को फिर से जारी करके उसी कार्य को फिर से काम करेंगे तो ये भ्रष्टाचार ही है एक तरह से। दिवाकर सिंह नाम है मेरा। सिंह साहब, आपने से कुछ शिकायत की है ग्राम पंचायत सूरा की? जी। किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, अभी क्या चल रहा है? हमारे यहाँ जो है तो ये कृष्णावती तिवारी, जिनके पति अवधेश तिवारी विधानसभा अध्यक्ष के सचिव थे, इनके द्वारा हमारे जो ग्राम में है तो सरहंगाई पूर्वक इन्होंने मनमानी करके हर एक, जैसे हम लोगों ने पहले ये जिला सीओ स्वप्निल बानखेड़े जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने, इनका भतीजा वहाँ का जीआरएस था हमारे यहाँ का, उसको उसके माध्यम से हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ मतलब राशि अनैतिक ढंग से निकाल के जो कार्य हुए हैं उनको भी दिखा करके उनका भी पैसा निकाल करके सब ये उसका वो किया, हड़प, मतलब उसको हड़प लिए। और इसके बाद उन्होंने, जब हम लोगों ने यहाँ स्वप्निल बानखेड़े जी के जिला जनपद सीओ के यहाँ गए तो जिला जनपद सीओ के यहाँ से मैंने सचिव की मांग की तो वहाँ पर से जिला जनपद सीओ साहब ने अशोक तिवारी को यहाँ हमारे यहाँ का मतलब सीओ सचिव नियुक्त किया। ये प्रमोद ओझा जी जो हैं हमारे वहाँ जनपद के सीओ, इन्होंने क्या किया कि इनका, इनको ज्वाइन तो करा दिया लेकिन इनको प्रभार नहीं दिलाया और इनको धमकी देते रहे कि अगर तुम हमें इस प्रकार से प्रभार के लिए कहो, कहीं माने अगर कहोगे तो हम तुम्हें हटा देंगे पद से। फिर इसके बाद क्या हुआ कि दो माह माने एक माह से ऊपर हो गए, डेढ़ माह से उनको न तो प्रभार दिलाया गया न किसी प्रकार का कार्य किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अवधेश तिवारी के कहने पर केडी शुक्ला, इनके मतलब गौतम जी के वो थे, ये जिला सदस्य हैं केडी शुक्ला, इनके मतलब करीबी हैं अवधेश तिवारी के, इन्होंने क्या किया कि इन सब कारनामों को हम लोगों ने शिकायत भी किया, कमिश्नर के यहाँ किया, जिला जनपद में किया और उनके यहाँ भी किया हम लोगों ने, क्या कहते हैं आपके कुल मिलाकर जो आपके जीआरएस थे जिनको प्रभार दिया गया था जी, तो 60-गांठ करने के लिए दिया गया था कि घर के ही सरपंच, घर के ही ये रहे, उनको हटाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा था आप लोगों को? जी 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 हाँ, उनको हटाने के लिए, क्योंकि ये ऐसा है कि उन्हीं का भतीजा वही सरपंच, और जिला पंचायत सीओ ने आदेश भी कर दिया था कि इसको हटाकर दूसरे सचिव को दिया जाए जी, तो उसको नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। अब जो सचिव है उसको कहां से लाया, तो जानकारी मिल रही कराधान में पहले ही फंसा था, मतलब अभी भी भ्रष्टाचार जारी रखा जा रहा है क्या? ये सहेबा दुबई के हैं, सहेबा का भी इनके पास है, सहेबा का मतलब प्रभार है, पिपरवार का भी है, दो दो प्रभार इनके पास हैं और यहाँ का भी, जबकि इनके उसमें कराधन का भी मामला सामने आया था।
फिर भी इनको यहाँ का नियुक्त कर दिया गया सचिव, माने दबाव में आने के कारण ये केटी शुक्ला के भतीजे हैं। आप ही ग्राम पंचायत में चबूतरा निर्माण के नाम पर घोटाला हुआ है, आपने जो दस्तावेज दिए हैं, किस तरह से एक जगह चबूतरा बना है दूसरी जगह नहीं बना, तो क्या मतलब कहाँ कहाँ बनवाने के नाम में पैसा निकला है, कितना पैसा, कितने बड़ा घोटाला है ये? ये एक चबूतरा हमारे यहाँ बना है सोमनाथ में, उसी चबूतरे को इन्होंने कई जगह पर दिखाया है, यहाँ भी दिखाया, माने ये 5-6 जगह 10 बार उसी चबूतरे को इन्होंने दिखाया, फोटो बदल बदल उसी उसी फोटो को, हाँ फोटो बदल बदल करके उसी चबूतरे को दिखाया, फोटो खींच करके, और कोई दूसरा नया चबूतरा कहीं नहीं बना। कौन कौन से लोग इसमें शामिल है इस भ्रष्टाचार में, कितने का भ्रष्टाचार होगा लगभग इसमें? भ्रष्टाचार में मुख्य भ्रष्टाचारी तो अवधेश तिवारी हैं, और इन्हीं के साथ में कृष्णावती तिवारी हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सब हुआ ये, इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं कृष्णावती तिवारी अवधेश तिवारी की पत्नी हैं, और इन्हीं के उसमें ये हैं केडी शुक्ला जी के भी यहाँ से जब ये कार्य कराते थे तो उनके यहाँ भी कोई मतलब वो है गिट्टी लोहा वोहा की दुकान थी, उससे ये भी खरीदे हैं सामान कई जगह से। तो अभी कहाँ कहाँ पे शिकायत की और क्या चाहते हैं? हम यहाँ शिकायत तो मतलब जनपद के जिला जनपद में किया, कमिश्नर के यहाँ किया, लोक इसमें किया, क्या कहते हैं आपके ये अदालत, लोक अदालत में, लेकिन वहाँ हम लोगों की आज तक और उसकी मतलब यहाँ से वो करके रिकॉर्ड पूरा मतलब जांच के लिए भेज दिया गया वहाँ जनपद में, लेकिन ओझा साहब आज तक उसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, हम लोगों की जांच में न किसी प्रकार का हम लोगों का मतलब वो दिया गया आश्वासन भी शामिल है इसी भ्रष्टाचार में जी, इसी भ्रष्टाचार में अब हम लोगों को मतलब जनपद सीओ भी शामिल है, क्योंकि सचिव से हम लोगों को मालूम हो गया कि मतलब अशोक तिवारी को धमकी देकर के उनको नहीं कराया, उनको प्रभार नहीं दिलाया, लेकिन केडी शुक्ला के भतीजे को तत्काल उनको ज्वाइन करवाया और तत्काल उनको प्रभार दिलाया, इससे स्पष्ट है कि मतलब इनका ओझा जी का मतलब हाथ है। जांच के नाम पर लटकाया जा रहा है पूरे मामले को? जी जांच के नाम पर लटकाया जा रहा है। अभी आपके ग्राम पंचायत में कुछ ही दिन पहले आग लगी थी, क्या मानते हैं किस तरह से आग साजिशन लगी, लगाया गया दस्तावेज या साक्ष्य मिटाने के लिए लगाया गया, फिर क्या हुआ उसमें? बसर पर बात यह है कि वहाँ पर जो हुआ तो इस इन सबको जितने भ्रष्टाचार किए गए थे इनके भतीजे माने पुष्पेन तिवारी के कारनामे जो थे, और मतलब इनको सबके साक्ष्य को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया कि पंचायत भवन में आग लगवा दी, लेकिन पंचायत भवन में यह सच बात है कि मतलब कोई भी रिकॉर्ड पंचायत भवन में नहीं रहता था, ये पंचायत भवन कभी नहीं खुलता था, जब कभी ग्राम सभा होती थी कि ग्राम पंचायत के कोई भी कार्य के मतलब चुनाव उनाव जब होते थे तभी ये ग्राम पंचायत खुलती थी, इसके अलावा ग्राम पंचायत कभी नहीं खुली और न वहाँ कोई रिकॉर्ड रहता था, जितना रिकॉर्ड जो कुछ था वो सब अवधेश तिवारी के घर में था, यहाँ पर पंचायत भवन में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए वहाँ जो साक्ष्य भी मिले थे तो एक वो मैट जो होती है उसका एक किनारा बचा था वो मिला, 10-12 डिस्पोजल दोन मतलब डिस्पोजल दोने थे उनके वे आपस में चिपके मिले, 3-4 बिजली के बिल थे और 3-4 अन मतलब पता नहीं खराब कागजात थे, बाकी इसके अलावा वहाँ पर कुछ हमें समझ में नहीं आया, ना कुछ दिखा कि वहाँ जला है, क्योंकि जब रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर तो जलने की कोई बात है नहीं कि पंचायत का कोई रिकॉर्ड जला है। कुल मिलाकर जो आग लगी थी तो आपको लगता है कि साजिशन है वो? जी जी साजिशन है वो आग, और वो आग लगी नहीं थी, लगाई गई, उसमें जो ताला भी लटक रहा था तो वो ताला उसमें सुखदेव साकेत वहाँ का चौकीदार था, वो चौकी ताला भी नहीं था, ताला पहले लगा था, ताला खुला कैसे और ताला भी वहाँ नहीं था, गेट कैसे खुला, कोई अगर रिकॉर्ड में आग लगाने जाएगा तो रात में थोड़ी जाएगा इतने बजे रात। आपने जिला पंचायत की ओर से जांच की मांग की है, कुछ जांच टीम गठित की गई, क्या लगता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा था, दबाया जा रहा है, दबाव है, तो निष्पक्ष जाँच हो पाएगी क्या? हमको तो अब बिल्कुल निराश हो गए कि मतलब वहाँ से जांच नहीं हो पाएगी, केवल हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है,
और आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है कि मतलब सामने में जांच हो जाए। केवल हम लोगों को मतलब प्रलोभन दिया जा रहा है, झूठा प्रलोभन। अब आगे क्या करेंगे अगर जांच नहीं होती? आप चूंकि लड़ाई जारी रखे हैं तो फिर कहां तक जाएंगे? अगर जांच नहीं होती है तो हम पे ऊपर जाएंगे। जांच तो होती है, कार्रवाई अगर नहीं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम कोर्ट जाएंगे, और यहाँ भी नहीं होती तो हाई कोर्ट जाएंगे।